नमस्कार, मैं हूं स्वराज श्रीवास्तव और सिद्धार्थनगर जिले में फिलहाल इलेक्शन की कवरेज के लिए मैं आया हुआ हूं और आप ये इलेक्शन 2019 की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं। इस बीच इस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रीय कवि डॉक्टर सुशील सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 12 मई को इलेक्शन है सिद्धार्थनगर में, डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, और आप इस बार क्या लगता है कि जगदम्बिका पाल जो इस बार आपके यहाँ से सांसद भी चुने गए थे, 2009 से सांसद है कांग्रेस के तौर पर और 2014 से भाजपा के सांसद के तौर पर यहाँ पर हैं, तो कितना काम उन्होंने पूरे इलाके में किया है और क्या कमी फिलहाल आपको लगती है जो रह गई? अभी काम बहुत किया पाल जी ने, जो भी अपेक्षाएँ थी। होता यह है कि आदमी प्लानिंग कुछ करता है और सरकार वहाँ से फंड कुछ देती है, लेकिन जो भी पाल जी से अपेक्षाएँ थी उन्होंने पूरी की और जो काम अधूरा है वही पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है जी। और शहर में सड़कों से लेकर के या फिर अगर स्वच्छता की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वच्छता की बात की थी, तो क्या लगता है कि कितना काम स्वच्छता को लेकर के हो पाया है? जितना मैंने जमीनी हकीकत देखी तो मुझे उतना वो संतोषजनक नहीं लगा, तो आपके हिसाब से क्या स्थिति है? जहाँ तक मामला स्वच्छता का है, ये काम नगर पालिका का है, क्योंकि ये टाउन है, बांसी नगर पालिका है और यहाँ के चेयरमैन इदीश पटवारी हैं, तो स्वच्छता लोकल तो उन्हीं के जिम्मे है। बाकी यहाँ तक बात सड़कों की है तो सड़कें सारी बन रही हैं। आप देखिए, यहाँ से जो रास्ता जाता है सिद्धार्थनगर जिले को और बस्ती को जोड़ता है, ये बनारस जिले के बन रहा है, ककरामा तक बन रहा है, नेपाल बॉर्डर से जोड़ा जा रहा है और काम चालू है। बीच में काम बंद हो गया था किन्हीं कारणवश, ठेकेदार भाग गया काम छोड़ के, अब नई कंपनी को ठेका मिला है और काम फिर चालू हो गया है। और रोडों की जहाँ तक बात है, इटवा रोड यहाँ बन चुका है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रास्ता जो गया गोरखपुर, मैं बांसी में जन्म लिया हूँ, जब से मैंने देखा है वो रास्ता कभी भी ठीक नहीं था और इस समय वो भी रास्ता बन रहा है। मतलब पहली बार मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ कि वो रास्ता चौड़ा हो रहा है, बांसी से गोरखपुर का रास्ता जो मैदावल होकर खजा होते जाता है, और ये रास्ता ये जो यहाँ से डुमरियागंज का है वो भी चौड़ा किया जा रहा है। इसलिए सड़कों से कोई दिक्कत नहीं है। सड़क एकदम ख़राब तो है, लेकिन चूँकि पहले सरकार प्रदेश में थी दूसरे पार्टियों की और केंद्र में थी दूसरी पार्टी की, इसलिए तालमेल की कमी थी। जब से सरकार प्रदेश में और केंद्र में काम हुई है भाजपा की, तब से काम में सुधार हुआ है। अच्छा, जब से मैं इलेक्शन की कवरेज कर रहा हूँ सिद्धार्थनगर में, लोग ये कह रहे हैं कि ये सिद्धार्थनगर जो पूरा इलाका है भगवान बुद्ध के नाम पर है, लेकिन उनके नाम पर स्टेशन का नाम नहीं बदला जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब सरकार कांग्रेस की थी तो एक बार मुद्दा पेश हुआ था, जब मुद्दा पेश हुआ उस समय भाजपा के यहाँ सांसद थे, उन्होंने जब वहाँ पे केंद्र सरकार से अपील की कि यहाँ स्टेशन का नाम गौतम बुद्ध के नाम पे रखा जाए सिद्धार्थनगर, तो कांग्रेसियों ने ये कहा कि सिद्धार्थ नगर में सिद्धार्थ के नाम से बू आती है सांप्रदायिकता की। मतलब सिद्धार्थ को उन्होंने सांप्रदायिक कहा, जो सिद्धार्थ आज पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, जन जन में व्याप्त हैं, उनको कांग्रेसियों ने सांप्रदायिक कहा, इसलिए कांग्रेस सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और 12 मई को इलेक्शन है, क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर है इलाके में? लहर तो अपने सब बता रहे हैं, मुख्य लड़ाई यहाँ पे बसपा प्रत्याशी और भाजपा की है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भाजपा जीतेगी अपने काम के बल पर। काम के बल पर, मतलब डुमरियागंज जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत जगदम्बिका पाल ने जो काम किया, आप उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, उम्मीद है आगे भी काम करेंगे। मैंने ये देखा है कि हमारे देश में 500 कुछ सांसद हैं, 543 सांसद, उसमें एक सर्वे हुआ, टॉप 10 सांसद छांटे गए, उस टॉप 10 में हमारे सांसद जो पाल साहब हैं उनका 7वां स्थान है, तो मेरे ख्याल से हमारे जिले के लिए नहीं ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है, और हमारा सांसद इतना श्रेष्ठ है कि हमने तो उनको कई बार लोकसभा में बैठ के स्पीकर के रूप में चलाते देखा सदन को, कोई भी ऐसा सदन में कार्यवाही नहीं है कि हमारे सांसद वहाँ उपस्थित ना रहे हों, कम से कम बोलते तो हैं। अभी तक यहाँ जितने सांसद हुए सब गूंगे भरे थे, कोई सदन में बोलने वाला नहीं था। पाल साहब हर मुद्दे बोलते हैं और जनता की समस्याओं खुल के उठाते हैं, इसलिए उनसे मैं संतुष्ट हूँ। और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीते भी थे, फिर 2014 की भाजपा मोदी लहर में भाजपा में शामिल हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक दिन के लिए। तो आपको लगता है कि उनका पिछला जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो अनुभव इस बार उनके चुनाव में मदद करेगा? नहीं, बिल्कुल काम करेगा। पाल साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं, जन जन को पहचानते हैं, और सबसे बड़ी बात वो 5 साल क्षेत्र में रहते हैं,
मैंने देखा है कि सारे सांसद नया साल मनाते हैं जाके विदेश में, वो जाके एंजॉय करते हैं बाहर, लेकिन हमारे पाल साहब नया साल हमारे बांसी मनाते हैं। अक्सर हम लोग, मैं तो एक साहित्यकार हूँ, अक्सर हम लोग नए साल पे कभी से मेहनत करते हैं, चाहे यहाँ बांसी लोकल में और चाहे सिद्धार्थनगर मुख्यालय पे, पाल साहब मैंने देखा है हर साल मंच पे रहते हैं कभी से मेहनत के। अगर वो भी चाहते तो जाके मॉरीशस, दुबई या थाईलैंड जाके नया साल मनाते, लेकिन उनकी वो मानता है कि वो नया साल अपने पब्लिक के बीच मनाते हैं, चाहे छठ का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो। पाल साहब अगर अमेरिका या लंदन में भी हैं तो त्यौहार मनाने हमारे यहाँ बीच में चले आते हैं, और जितना मैंने देखा ये सांसद हमारे बीच में रहते हैं उतना आज तक कोई सांसद नहीं रहा है। मतलब लोगों से जुड़ाव जगदम्बिका पाल का बहुत ज़्यादा है सिद्धार्थनगर जिले में, और सांसद के तौर पर ये काफ़ी ज़रूरी भी है। तो 12 मई को इलेक्शन है, किसे वोट करने जा रहे हैं आप इस बार? मैं तो भाजपा को वोट दूंगा, क्योंकि भाजपा हमारे जिले की जरूरत है और केंद्र की जरूरत है। हम चाहते हैं सरकार मोदी जी की बने, अब मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा विश्व पटल पे ऊंचा रहे। और कितने वोटों का अंतर आपको लगता है जगदम्बिका पाल इस बार अपने विपक्षी को देने वाले हैं? मुझे लगता है 1 लाख प्लस से हार देंगे वो प्रत्याशी विपक्षी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, इलेक्शन की कवरेज जारी है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।